एक बिजनेसमैन को पता चला कि उसकी वाइफ का अफेयर एक पेंटर के साथ चल रहा है। उसने उस पेंटर को ही हायर किया अपनी वाइफ को मारने के लिए। अब आगे क्या होगा ये हम आज की हमारी मूवी अ परफेक्ट मर्डर ये 1998 की एक थ्रिलर सस्पेंस मूवी में देखेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज इसे लाइक और कमेंट जरूर कर दीजिएगा। और बिना किसी देरी के एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। मूवी स्टार्ट होते ही हम हमारी मेन कैरेक्टर एमिली को एक पेंटर के साथ जिसका नाम है डेविड इंटीमेट होता देख सकते हैं। वो घर पर आई तो अपने हस्बैंड से मिली जो रेडी हो चुका था। हस्बैंड का नाम है स्टीवन। स्टीवन एक बहुत ही बड़ा बिजनेसमैन है। आज एक इम्पॉर्टेंट पार्टी थी जहाँ पर एमिली के साथ वो जाने वाला था। अपनी पसंद का ड्रेस उसे पहनने के लिए कहता है। उसे जो अच्छा लगता है उसी तरीके से चीज़ें होनी चाहिए, इस पर वो हमेशा स्ट्रिक्ट रहता है। एमिली डेविड को कॉल करने की कोशिश कर रही थी पर उसका कॉल लगता नहीं। पार्टी में स्टीवन जब अपने कलीग के साथ बात कर रहा था तो हमें पता चलता है स्टीवन की कंपनी जरा ट्रबल में है, पर स्टीवन ने कहा कि ऐसा कुछ भी नहीं है, सारी अफवाह है। आज यहाँ इस पार्टी में डेविड और एमिली का मिलने का प्लान था क्योंकि स्टीवन आने नहीं वाला था। ये दोनों अकेले में मिले और एमिली कहती कि मैं तुम्हें कॉल करने वाली थी पर कर नहीं पाई। डेविड कहता है कि हम प्रिटेंड करेंगे कि एक दूसरे को जानते ही नहीं, पर इन दोनों को बात करता हुआ स्टीफन ने देख लिया। एमिली डेविड को स्टीवन से इंट्रोड्यूस करवाती है। उसने कहा डेविड एक बहुत ही अच्छा पेंटर है। स्टीवन कहता है कि मुझे तुम्हारा काम देखना बहुत ही अच्छा लगेगा, अगर मेरे फ्रेंड्स होंगे तो उन्हें भी मैं दिखाऊंगा। तुम्हारा कॉन्टैक्ट नंबर तो मुझे एमिली से मिल ही जाएगा। स्टीवन समझ गया था कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। नेक्स्ट सीन में स्टीवन को अपने ऑफिस में हम देख सकते हैं और उसे कंटिन्यूसली लॉस आ रहे थे। एमिली और डेविड ने अपना अफेयर कंटिन्यू किया था। एमिली उसके लिए बहुत ही अच्छे अच्छे गिफ्ट्स लाया करती थी। डेविड के साथ होना उसे अच्छा लगता था। ये दोनों आज भी इंटीमेट हुए और स्टीफन का डेविड को मैसेज आता है। इसमें उसने कहा कि मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ। एमिली कहती कि शायद उसे कुछ चीज़ पता है, पर डेविड उसे कहता है कि ऐसा हो नहीं सकता। स्टीवन को कुछ भी सस्पिशियस ना लगे इसलिए डेविड उससे मिलने वाला था। डेविड कहता है कि अगर तुम इतनी वरीड हो तो स्टीवन को तुमने मेरा नंबर क्यों दिया। एमिली कहती कि मैंने नहीं दिया। स्टीवन वेल कनेक्टेड था तो उसने डेविड का नंबर ऑलरेडी निकाल लिया था। शाम में दोनों बार में मिले। इसके बाद डेविड स्टीवन को पेंटिंग दिखाने के लिए लेकर जाता है। स्टीवन ने कहा कि ये सब बहुत ही घटिया है, तुम्हारी पेंटिंग में मुझे गुस्सा नजर आता है, मुझे पता है कि तुम्हारा एमिली के साथ अफेयर है। डेविड कहता है कि हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। स्टीवन कहता है कि प्यार का इससे कोई भी लेना देना नहीं है, मुझे पता है कि तुम पहले क्या करते थे। बचपन में डेविड चोरी करता था, उसके बाद कॉन मैन बन गया। बाद में जिन भी लेडीज के पास बहुत सारे पैसे हैं उनसे वो प्यार करने का नाटक करता था, उनके सारे पैसे लेकर वो भाग जाता था। स्टीवन ने कहा कि तुमने अपने बारे में एमिली को जो भी बात बताई है ये सब कुछ झूठ है। डेविड कहता है कि अब मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ। स्टीवन ने कहा मैं तुम्हें $500,000 दूंगा, तुम्हें जाकर मेरी वाइफ को मारना पड़ेगा। डेविड को इस बात से शॉक लगता है। उसने पूछा अगर मैंने ऐसा नहीं किया तो फिर तुम क्या करोगे। स्टीवन ने कहा कि जिस लड़की को तुमने लास्ट टाइम फंसाया हुआ था इसके बारे में मैं जानता हूँ, तुम्हारी सारी इन्फॉर्मेशन पुलिस को मिल जाएगी, तुम्हें 30 साल की जेल हो जाएगी। ये ऑफर सुनकर डेविड काम करने के लिए मान जाता है। स्टीवन ने उसे एडवांस लेने के लिए कल बुला लिया। इसके बाद स्टीवन खुद को एक लेटर मेल करता है जिसमें डेविड और एमिली के एक दूसरे के साथ के फोटोज थे। ये लेटर पढ़कर लोगों को लगेगा कि डेविड स्टीवन को ब्लैकमेल कर रहा था। रात में एमिली अपने फ्रेंड रैकेल के साथ थी, उसे बता रही थी कि वो स्टीवन के साथ खुश नहीं है। स्टीवन अपनी लाइफ की हर चीज़ को कंट्रोल करना चाहता है, इस वजह से एमिली उसके साथ खुश नहीं है। उसने डेविड के बारे में भी अपने फ्रेंड को बता दिया। उसकी फ्रेंड कहती है तुम बहुत ही ज़्यादा रिच हो, क्या डेविड को इसके बारे में पता है। एमिली ने कहा कि डेविड को पैसों में इंटरेस्ट नहीं है, वो सिर्फ मुझ में इंटरेस्टेड है। घर पर आने के बाद स्टीवन एमिली से कहता है मैंने डेविड को एक ऑफर दिया, देखते हैं कि वो लेता है या नहीं। अगले दिन एमिली और डेविड ने इस ऑफर के बारे में बात की। डेविड ने कहा कि स्टीवन मेरी पेंटिंग बाय करना चाहता है, उसे वो सच बात नहीं बताता क्योंकि एमिली को एक्चुअल में मारने वाला था। अगले दिन वो स्टीवन से मिलने के लिए आता है और स्टीवन ने उसे पैसे दे दिया। सिक्योरिटी कैमरेज में नजर ना आते हुए वो बिल्डिंग में किस तरीके से आ सकता है ये स्टीवन ने डेविड को दिखा दिया। स्टीवन घर से निकलते वक्त पीछे के दरवाजे की चाबी ये बाहर रख कर आने वाला था, वो एमिली की चाबी चोरी कर कर वहां रख कर आएगा। एमिली के मर्डर के बाद एमिली के पॉकेट में फिर से उसकी चाबी रख देगा, इससे उस पर कोई भी शक नहीं करेगा। पुलिस को लगेगा कि घर में चोर घुस कर आए, एमिली ने देखा तो उन्होंने एमिली को मार डाला। अगली शाम जब एमिली डेविड से मिलने के लिए जा रही थी तो स्टीवन उसे मिलकर उसे डिनर के लिए पूछता है। एमिली उसे देखकर सरप्राइज्ड हो गई थी। स्टीवन ने देखा कि एमिली के पास उसकी वेडिंग रिंग नहीं है, एमिली और डेविड के यहाँ पर छोड़कर आई थी।
एमिली कहती है कि मैं उसे रिपेयर करने के लिए छोड़ कर आई हूँ, मैं उसे कल जाकर लेकर आऊंगी। स्टीवन ने मजाक में कहा कि अगर कल आया ही नहीं तो क्या करोगी। ये बात एमिली को जरा अजीब लगती है। इसके बाद इन्होंने डिनर किया। स्टीवन एमिली को छोड़ने के लिए आया। ये सारी चीजें डेविड देख लेता है। इससे और भी ज्यादा गुस्सा हो गया था। घर आकर एमिली की पेंटिंग को तबाह कर रहा था। एमिली उसे कॉल करके सॉरी कहती है कि स्टीवन अचानक से वहां पर पहुंच गया था, उसे कॉल नहीं कर पाए। उसे बता रही थी कि अभी के अभी वो स्टीवन को सब कुछ बता देगी, उसके साथ अब नहीं रह सकती। डेविड डर जाता है और कहता है हम दोनों कल मिलकर इस पर बात करते हैं, आज रात कुछ भी मत करना। आज रात स्टीवन और एमिली का बाहर जाने का प्लान था, पर स्टीवन को पता था कि एमिली ज्यादा बाहर जाने में इंटरेस्टेड नहीं होती, तो एमिली घर पर ही रुकती है। सब कुछ प्लान के मुताबिक ही चल रहा था। एमिली घर पर अकेली थी तो बात ले रही थी। डेविड रात में पीछे के दरवाजे से अंदर घुस आता है। एमिली को किचन में बुलवाने के लिए स्टीफन ने उसे कॉल किया, पर बात लेते वक्त वो कॉल सुन नहीं पाती। डेविड को घर में वेट करना पड़ता है। और भी ज़रा टाइम गुजर गया और स्टीवन फिर से कॉल लगाता है। एमिली ने इस बार कॉल को सुन लिया। जब ये वो उठाने के लिए गई तो डेविड उस पर हमला कर देता है। उसने बहुत स्ट्रगल किया और किचन की नाइफ उसके हाथ में आके वो ये लेकर डायरेक्टली डेविड को मार देती है। रात में कैजुअली स्टीवन घर पर आता है। उसे लगा कि एमिली अब मर चुकी है। उसने बेडरूम में देखा तो एमिली खून से लथपथ थी, पर वो अब भी जिंदा है। वो पुलिस को कॉल लगा रही थी। स्टीवन बहुत ही डर जाता है। वो जल्दी से किचन में गया तो डेविड की डेड बॉडी वहां पर पड़ी हुई थी। इस प्लान में उसकी इन्वॉल्वमेंट के सबूत मिटाने के लिए उसने डेविड के पॉकेट चेक किए। इसमें उसे घर की चाबी मिलती है जो जाकर उसने एमिली के पर्स में रख दी। इसके बाद उसने डोर के लॉक तोड़ दिए। वो जाकर एमिली को संभालता है और पुलिस वहां पर आ जाते हैं। पुलिस को भी लग रहा था कि ये चोर ही थे। पुलिस में एक डायरेक्टिव थे जो बहुत ही स्मार्ट थे। उसने नीचे निशान देखकर स्टीवन से पूछा, क्या तुम डेड बॉडी के आसपास घूम रहे थे? तुम वहां पर कर क्या रहे थे? स्टीवन ने कहा कि मैं देख रहा था कि क्या वो जिंदा है। पुलिस ने फिर डेड बॉडी का मास निकाला तो डेविड नहीं था। ये देखकर स्टीवन के एक्सप्रेशन चेंज हो जाते हैं। ये मोहम्मद ने नोटिस किया। इसके बाद वो एमिली को लेकर पुलिस स्टेशन में आता है। उन्होंने उससे कुछ क्वेश्चंस पूछे, पर एमिली को कुछ भी ज्यादा पता नहीं था। मोहम्मद को घर से कॉल आता है। उसका बेटा बीमार था। वो अपनी लोकल लैंग्वेज में बात कर रहा था जो एमिली को आती थी। वो फॉरेन एक्सचेंज ऑफिस में काम करती थी। एमिली बहुत ही सिंपैथेटिक है। ये मोहम्मद को बहुत अच्छा लगता है। उसका बहुत सारा शक स्टीवन पर ही था। इस सदमे से रिकवर होने के लिए एमिली अपनी मदर के पास गई। स्टीवन उसे कहता है, अब तुम अच्छे से आराम करो, कल तुम सब कुछ भूल जाओगी। एमिली ने कहा कि अगर कल आया ही नहीं तो क्या होगा। ये वही सेंटेंस था जो स्टीवन ने पहले उसे कहा था। वो भी उस पर थोड़ा सा शक करने लग गई थी। स्टीवन जरा नीचे गया तभी एमिली डेविड को कॉल लगाती है। उसने कहा कि सब कुछ ठीक है, ज्यादा वरी मत करो। स्टीवन फिर से ऊपर आता है और उसने रियलाइज किया कि एमिली ने डेविड से बात किया। स्टीवन ने डेविड को कॉल लगाया और कहा कि हम दोनों को मिलना चाहिए। वो उससे मिलकर पूछता है कि तुम्हारे फ्रेंड और तुम में कुछ लिंक थी। डेविड कहता है कि पुलिस मुझ तक नहीं पहुंच सकते। स्टीवन अब भी एमिली को मारना चाहता था, पर थोड़े दिन बाद डेविड को कॉल करने वाला है। एमिली वैसे भी स्टीवन को छोड़ने वाली थी, तो अपने मदर को बता देती है कि अब मैं स्टीवन के पास वापस नहीं जाने वाली। उसके मदर ने भी उसे सपोर्ट किया। स्टीवन के वर्क पर प्रॉब्लम बढ़ने लग गए थे। अगर एमिली की डेथ हो जाती है तो उसके $100 मिलियन स्टीवन को मिल जाएंगे। इसी के लिए वो सब कुछ कर रहा था। अपना सामान लेने के लिए एमिली जब घर पर आई तो उसकी की काम नहीं करती। उसने डोरमैन से की ली और घर में आके घर में जहां मर्डर हुआ था ये देखकर उसे ट्रामा आ जाता है। वो स्टीवन से कहती कि अब मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती। रात में अपने फ्रेंड रेकेल के पास आके एमिली ने उसे पूछा कि अगर स्टीवन को पता चल जाए कि मेरा और डेविड का चक्कर चल रहा है तो वो क्या करेगा। रेकेल कहती कि तुम्हें मार डालेगा। किसी का मर्डर करने का सेकंड बेस्ट रीजन है। एमिली ने पूछा कि फर्स्ट बेस्ट रीजन क्या है। रेकेल कहती कि पैसे। एमिली ने रियलाइज किया कि अगर उसकी डेथ हो जाती है तो $100 मिलियन डायरेक्टली स्टीवन को मिल जाएंगे। उसे समझ में आ नहीं रहा था कि स्टीवन को पैसों की क्या जरूरत है। उसने फिर एक फाइनेंशियल एडवाइजर को हायर किया। और कुछ इन्वेस्टिगेट करने के बाद एमिली को पता चलता है कि स्टीवन की कंपनी घाटे में है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो बैंकक्रप्ट हो जाएगा। ये 100 मिलियन उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये पता चलने के बाद एमिली डायरेक्टली पुलिस स्टेशन में आती है। उसने सारी बात मोहम्मद को बता दी। मोहम्मद ने कहा कि मेरा भी पहला शख्स स्टीवन ही था, पर तुम्हारे साथ जब ये हादसा हुआ तो वो कॉल पर था। उसकी मैं फॉर्मल इन्वेस्टिगेशन नहीं कर सकता, पर तुम्हारे केस में कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। जो आदमी तुम्हें मारने के लिए आया हुआ था उसके पॉकेट में हमें उसकी कीज नहीं मिली।
हमेशा आदमी घर की कीज तो अपने पास रखता ही है। इस केस की फाइल्स एमिली ने देखी और जो उसे मारने के लिए आया हुआ था उसका एड्रेस उसे मिल जाता है। नेक्स्ट सीन में स्टीवन के काम पर डेविड ने उसे कॉल किया। जब स्टीवन एमिली की मर्डर के बारे में बात कर रहा था, ये सारा कुछ डेविड ने रिकॉर्ड कर लिया था। इस रिकॉर्डिंग से स्टीवन अरेस्ट हो सकता है, तो इस वजह से डेविड उसे ब्लैकमेल करना स्टार्ट कर देता है। उसे बाकी के $4,00,000 चाहिए थे। एमिली इन्वेस्टिगेशन करते हुए जिसने उस पर हमला किया था उसके घर पर पहुंच गई। उसकी घर की चाबी काम नहीं कर रही थी, तो इस आदमी की डोर पर वो लगा कर देखती है, तो डोर ओपन हो गया। वो समझ गए कि स्टीवन ने मर्डरर की चाबी लेकर उसके पर्स में रख दी थी। नेक्स्ट सीन में स्टीवन ने सब कुछ पैसे निकाले और वो ऑफिस आता है, तो एमिली उसका वेट कर रही थी। उसने उसे कन्फ्रंट किया कि जो मुझे मारने के लिए आया हुआ था तुमने उसकी चाबी लेकर मेरे पर्स में क्यों डाली, क्या तुम मुझे मारना चाहते थे? स्टीवन कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं था, डेविड मुझे ब्लैकमेल कर रहा था। स्टीवन ने खुद अपने आप को जो लेटर सेंड किया था जिससे लगेगा कि डेविड उसे ब्लैकमेल कर रहा है, ये लेटर वो एमिली को दिखा देता है। उसने कहा कि डेविड मुझे ब्लैकमेल कर रहा था, उसने कहा था कि वो तुम्हें हर्ट कर देगा। जब घर में मैंने डेड बॉडी देखी तो मुझे लगा कि डेविड की डेड बॉडी है। हमारा डोर भी खुला हुआ था तब मैंने रियलाइज किया कि तुम्हारी चाबी से वो अंदर आया है। पुलिस को तुम्हारे और डेविड के बारे में पता ना चले इसी वजह से मैंने तुम्हें बचाने के लिए सब किया हुआ था। एमिली उस पर बिलीव नहीं करती, पर स्टीवन ने डेविड पर जो भी रिसर्च किया था ये सब कुछ उसने उसे दिखा दिया। ये सब पता चलने के बाद एमिली को बहुत ही बुरा लगता है। उसने कहा कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे लगा था कि मैं डेविड से प्यार करती हूँ। स्टीवन कहता है कि मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा, तुम वरी मत करो। एमिली कहती कि हम पुलिस के पास चलते हैं, पर स्टीवन इससे उसे मना करता है। एमिली की रिंग डेविड के घर पर पड़ी हुई थी तो स्टीवन को लाने के लिए कहती है। स्टीवन ये रिंग लाने के लिए गया तभी डेविड को एक कॉल आया हुआ था। उसने आज रात की ट्रेन की रिजर्वेशन की है इसी को कन्फर्म करने के लिए कॉल था। स्टीवन इसके बाद जाकर डेविड को पैसे देकर आता है, पर स्टीवन ने कहा कि खुद का ख्याल रखना। ये बात सुनकर डेविड डर गया, उसे लगता है कि स्टीवन उसके पीछे लगा हुआ है। वो जल्दी से वहां से निकलता है और अपनी ट्रेन में आ गया। कोई भी उसका डोर खटखटाए इससे वो डर जाता था। जब वो रिलैक्स हुआ तो पीछे से स्टीवन आया और उसे वो मार डालता है। डेविड ने कहा कि तुम भी नहीं बचोगे। उसने स्टीवन की टेप एमिली को मेल कर दी थी, उसकी रिसिप्ट उसके पास थी। स्टीवन ने देखा और जल्दी जल्दी में वो घर आ गया। डोरमैन से उसे पता चलता है कि एमिली अभी अभी अपना मेल लेकर ऊपर गई है। वो जल्दी से ऊपर पहुंचा पर अब तक एमिली ने कोई भी मेल खोला नहीं था। स्टीवन ने टेप लेकर अपनी तिजोरी में रख देता है। एमिली उसके पास आए तो स्टीवन ने अपनी वेडिंग रिंग फिर से उसे पहना दी। उसे कहता है कि चलो हम डिनर पर चलते हैं। वो शावर लेने के लिए गया तभी एमिली ने उसकी बैग चेक की, इसमें उसे कुछ भी नहीं मिलता, पर स्टीवन की सेफ उसने चेक की। स्टीवन शावर लेकर आया तो एमिली कहती है हमें घर के लॉक चेंज कर देने चाहिए, मेरी चाबी अब तक मुझे मिल नहीं रही। एमिली आगे जाने का नाटक करती है और स्टीवन अपना डोर खोलकर जहां पर उसने चाबी रखी थी वो देखने के लिए गया। ये सब एमिली ने देख लिया। स्टीवन ने कहा कि तुम कुछ भी प्रूव नहीं कर सकती, सारे सबूत मेरे पास है। एमिली यहां से जाने लग गई तो स्टीवन कहता है कि तुम मेरी मर्जी से जाओगी। वो अब उसे मार डालने वाला था। इन दोनों में फाइट शुरू हो गई। स्टीवन एमिली को मार ही डालता तभी एमिली के हाथ में गन आ जाती है, उसने स्टीवन को मार डाला। वो फिर पुलिस को कॉल करती है। स्टीवन की टेप उसने उन्हें सुना दी। मोहम्मद कहता है तुम्हारे पास कोई भी ऑप्शन नहीं था, तुम्हें स्टीवन को मारना ही पड़ा। एमिली पर कोई भी चार्जेस नहीं लगते। इसी के साथ ही मूवी एंड हो जाती है। अगर आपको एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे लाइक और कमेंट जरूर कर दीजिएगा। मैं बहुत सारी मूवीज लेकर आता रहता हूँ तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। हम फिर से मिलेंगे और एक नई मूवी के साथ, तब तक के लिए थैंक यू और आप अपने आप का ख्याल रखिएगा।